दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव और दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर के वी राजू, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर के रूप में मेयर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। इस अवसर पर पहले सत्र में दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक प्रोफेसर संजीत गुप्ता और डॉक्टर पवन कुमार द्वारा संपादित न्यूज लेटर एकात्म का तीसरा अंक कुलपति प्रोफेसर सिंह, डॉक्टर राजू और मेयर सीताराम जायसवाल द्वारा जारी किया गया। इस सत्र का संचालन प्रोफेसर संजीत गुप्ता और डॉक्टर पवन कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। दूसरे सत्र में विश्वविद्यालय के ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव पर चर्चा करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि हमने विश्वविद्यालय में कचरे को जैविक खाद बनाने के लिए एक मशीन लगाकर एक नए पहल की शुरुआत की है। डॉक्टर के वी राजू ने विश्वविद्यालय द्वारा इस पहल की सराहना की और कचरा निपटान के मिशन में महिला स्व सहायता समूह को शामिल करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर राजू ने सुझाव दिया कि कचरा प्रबंधन में हमें महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को शामिल करना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस पहल के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी फंड्स इकट्ठा किया जा सकता है। डॉक्टर राजू ने पहल की सराहना की और सुझाव दिया कि इस परियोजना के साथ विश्वविद्यालय और गोरखपुर शहर कार्बन क्रेडिट भी अर्जित कर सकते हैं। ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्मृति मल ने इस इनिशिएटिव के भविष्य के उद्देश्यों और योजना के बारे में सभी को अवगत कराया। डॉक्टर मल ने बताया कि पूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन, ग्राउंड वाटर रिसाइकिलिंग, सैनिटरी पैड इनिशिएटर जैसे योजना पर कार्य चल रहा है। इस दौरान गोरखपुर के मेयर सीताराम जायसवाल ने उल्लेख किया कि इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जन जागरूकता महत्वपूर्ण है, इसलिए जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता है और कचरा पृथककरण भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जल्द ही गोरखपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना होगी। साथ ही नगर आयुक्त अंजनी सिंह ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने का महत्वपूर्ण समय है। स्वच्छता के लिए लोगों में जागरूकता पर जोर दिया। हमारे बीच में जो मंच है उनका परिचय और उनका स्वागत के लिए मैं सबसे पहले हम लोग के बीच में डॉक्टर के वी राजू साहब, आप सब जानते हैं, पहले से भी नाम सुना होगा कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री करता हूँ कि आपका पुष्प देकर स्वागत है। के मार्गदर्शक संरक्षक और इस परिवार के मुखिया हमारे बीच में दीनदयाल शोधपीठ की एक पत्रिका छपती है एकात्म करके, उसका विमोचन का कार्यक्रम है। साथ में एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा कह सकते हैं प्रयास प्रारंभ हो रहा है, जिसको कि हमारे बीच में ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव के नाम से उसको जानते हैं या सुनते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो है दो दिन पहले माननीय कुलपति जी के आवास पर एक मशीन लगी, हम लोग में से बहुत सारे लोग वहाँ थे और वहाँ हमने ये महसूस किया कि ऐसी जरूरत केवल हमारे विश्वविद्यालय को नहीं बल्कि पूरे शहर को भी है और देश को भी है। ये इस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, इसकी योजना रचना के बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी, इसलिए मैंने हमारे बीच में इस महानगर के महापौर साहब और नगर आयुक्त साहब भी हैं। मैं सबसे पहले अब इस कार्यक्रम के बारे में और बात कहूं, मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर के वी राजू साहब और हमारे गेस्ट का सर फॉर्मल वेलकम। डॉक्टर के वी राजू जी यहाँ के प्रथम नागरिक, हमारे मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी, गोरखपुर के म्युनिसिपल कमिश्नर श्री अजनी सिंह जी, सभी विभाग अध्यक्ष जी, फैकल्टी मेंबर, कोऑर्डिनेटर्स, मुझे इस प्लेटफॉर्म से आपका सबका स्वागत करते हुए खास करते हुए राजू साहब आज जो कि मैं इसे कह रहा था कि कोऑर्डिनेटर का रिव्यू करना था और ये भी प्रोग्राम चलना था तो ये हुआ नहीं। हम लोग ने कहा कि पूरे राजू साहब को हम लोग को यहाँ भी चाहिए और वो इज वेरी क्रिटिकल, वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वेरी
उनकी जो विजन है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है और हमें तो बहुत ही ज़्यादा शेप मिल रही है। केवल डीडीयू के ओवरऑल अपलिफ्टमेंट में इनका बहुत बड़ा शेयर मिल रहा है और हम लोग एक ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उस ट्रैक के में बहुत सारे पहले पौधे आ गए, करीब 20-30 फुट पौधों को भी हम लोग ने प्लांट किया, वहाँ से निकाला तो ये हम लोग को खींच के ले गया इंदौर सिटी में। इंदौर में कैसे रिसाइकिल करते हैं अपने वेस्ट को, तो कुछ चैप्टर हम लोग ने वहाँ से लगाई और दो दिन पहले उसका एक कार्यक्रम हम लोग रखा था तो मैसेज वो इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट इट इज हैपनिंग एट हर डिपार्टमेंट में, ग्रीन येलो और ब्लू बॉक्सेस लगाएंगे कैसे अपना फसल ठीक है, फिर ये सब इशू आए। तो हम लोग ने ये राजू साहब इज हेयर टू गाइड अस और हम लोग केवल यूनिवर्सिटी में नहीं सीमित होना चाह रहे हैं, उन यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना है। वर्क विद नॉन प्रॉफिट कंपनी और यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं तो वो कंपनी बना दी यूनिवर्सिटी में किसी ने बना दी तो उसको हमने पूरा किया सिस्टम की तब माननीय कुलपत जी का आना हुआ और आपका निर्देश रहता है कि कुछ ना कुछ अलग से काम दिखे और होना भी चाहिए तो हम लोगों ने उसी समय संकल्प लिया आपके आते ही कि हम लोगों ने पहला अंक सितंबर में एकात्म करके हम लोगों ने एक दीनदयाल जी के विचार बहुत दिशाओं में है और सब विषय में दीनदयाल जी ने बोला है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, लोग राजनेता समझते हैं लेकिन बहुत अच्छे समाज चिंतक भी थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक सोच वाले भी थे, बहुत ही शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा उनका विचार था, सब क्षेत्रों में उनके कुछ ना कुछ विचार रहे, हम लोग बीच में थोड़े समय तक रहे परंतु उन्होंने जो सूत्र हमको दिया एकात्म मानव दर्शन का वो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी है। इस पर हम लोग चर्चा आगे जारी रखेंगे तो ध्यान में आया क्योंकि भी एक एक विचार को हम कितना उसको अच्छे से अच्छा कम शब्दों में और सॉलिड तरीके से बनाकर अपने छात्र छात्राओं के बीच में अपने जन में आम जन में कैसे हम उसको प्रसारित कर सकते हैं, इस उद्देश्य से एक हम लोगों ने ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है 4 पेज का जिसमें सारा विषय आ जाए और उसको लेकर हम फिर आगे उस पर बहस कर सके, आगे उस पर चर्चा विमर्श कर सके, इसको ध्यान में रखकर न्यूज लेटर टाइप का हम लोगों ने 4 पेज का अंक निकालना प्रारंभ किया। पहला अंक कुलपत जी सितंबर में आए और सितंबर में ही दीनदयाल जी की जयंती पर पहला अंक आया था। पिछले माह में अक्टूबर माह में हमारा ये सौभाग्य है उस समय अपने बीच में डॉक्टर के वी राजू साहब थे, आपके हाथों के द्वारा दूसरे अंक का विमोचन हुआ और हमारे बीच में 2 हस्तियां और भी जुड़ी हैं तो हमारे तीसरे अंक का आज विमोचन होना है जिसका हमने शीर्षक रखा है सामाजिक चिंतन। दीनदयाल जी समाज के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में कैसा सोचते थे और किस प्रकार से मूल्यों की स्थापना समाज में चाहते थे जिससे कि पूरे मानवता का कल्याण हो सके, उस पर केंद्रित करते हुए हम लोगों ने 3 अंक निकाला। एक बात आज मैं इसके मंच का भी फायदा लेना चाहता हूँ, मैं केवल सभी अपने संकाय अध्यक्ष और विभागाध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ जो भी छात्र दीनदयाल जी को पढ़ना चाहता है या दीनदयाल जी के शोध करना चाहता है हमारे पीठ पर कुछ पुस्तकें हैं और जो पुस्तकें वो बताएगा वो पुस्तकें भी हम लोग मंगवा देंगे माननीय कुलपति जी का ऐसा निर्देश तो हम उसको और कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट उनका करेंगे। साथ में एक और भी आपसे निवेदन था कि हम लोग दीनदयाल शोध पीठ को केवल चेयर के रूप में नहीं क्योंकि ये विश्वविद्यालय के नाम के साथ जुड़ा है, हम लोग के कह सकते हैं कि पहचान के साथ जुड़ा हुआ है, इस नाते दीनदयाल जब तक ये विश्वविद्यालय तब तक नाम हम लोग के साथ जुड़ा ही रहने वाला है, इस नाते दीनदयाल शोध पीठ एक संस्थान के रूप में विकसित हो इसके लिए प्रयास करना है। एक नियमावली पर नियमावली हमने बनाई है वो माननीय कुलपति जी को देंगे फिर आप ही सबके बीच में जाकर पर चर्चा और विमर्श होगा फिर उसको हम संस्थान के रूप में खड़ा करेंगे, ऐसी अपनी योजना है। दूसरा एक और आपको संज्ञान में लाना चाहेंगे, पिछले बार प्रेजेंटेशन मैंने दिया था अंतरराष्ट्रीय एक सेमिनार करना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं उसमें ये विषय ले आना चाहते हैं कि एकात्म मानव दर्शन कैसे सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी बात आज यूनो कर रहा है 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा है उसमें ये कैसे सहयोगी होगा, कैसे यही एक मार्ग है जिससे कि ये सतत विकास संभव होगा, इसको लेकर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करने का भी हम लोगों ने मन बनाया है और माननीय कुलपति जी ने निर्देश दिया कि 12, 13 और 14 फरवरी को हम इसको करने वाले, इसका ब्रोशर भी जल्दी से आपके सामने आपके हाथ में होगा। हमारे पीठ में जो सदस्य जुड़े हैं हम
उसमें जरूर रखते हैं, लेकिन उनसे ही मेन काम करते हैं हमारे बीच में डॉक्टर पवन कुमार जी, जिन्होंने जो समाज शास्त्र में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ऊर्जावान हैं, इन्होंने ही मैंने निवेदन किया, हमारे पीठ के भी सदस्य हैं, इन्होंने ये सामाजिक अंक जो सामाजिक चिंतन का अंक है उसके लिए इन्होंने संपादन का मुख्य काम किया है, मैं भी थोड़ा सहयोग किया हूँ। मैं निवेदन करता हूँ पवन जी से कि वो आए और अपने जो ये थर्ड अंक का विमोचन हमारे द्वारा करें।